यार कॉफी मशीन है, ऐसा कैसे होता है यार। अभी मैं इस टाइम झांसी बस स्टैंड पे हूँ और But I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me. So hey guys, kaise ho tum sab? All right, so right now the time is 8:09. तो अभी मैं इस फोन को फ्लैश लाइट की तरह यूज करने वाला हूँ, तो और ठीक है। सो यार रेडी टू लीव, गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, गाड़ी को बैक करना है, निकालना है यहाँ से और सीधा मैं झांसी जाना है। मुझे एक शादी अटेंड करनी है, शादी अटेंड करने के साथ साथ रात हो जाएगी तो मैं तुम्हें झांसी की नाइट लाइफ भी दिखा दूंगा। तो अगर तुम्हें झांसी को देखना है कैसे रात में लगती है और उसके साथ साथ शादी में क्या कुछ खाना था, मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगा शादी का। तो बस अगर तुम्हें ये सब देखना और कुछ भी बहुत बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये रही अपनी गाड़ी, झांसी से जाने वाला हूँ मैं, अकेले जाऊंगा। Leave me here, you know good enough. Won't change a thing now, there was never trust. Don't you say a word, cause I've heard it all. You were just a pain when you felt it all. Oh. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The ये आ गई अपनी पेप। शादी में यार कॉफी मशीन है, ऐसा कैसे होता है। तो यार अभी शादी इंजॉय कर रहा हूँ मैं, खाना खाऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज चुके हैं, वो बारात आ जाए उसके बाद खाना खाता हूँ। फिलहाल कॉफी, बस कॉफी चल रही है अपनी, खाना खाएंगे उसके बाद बाहर जाऊंगा मैं। करीब 11-12 बजे के बाद बाहर जाऊंगा तो झांसी का नाइट आउट दिखाऊंगा कैसी क्या झांसी रात में लगती है। अभी मैं बस स्टैंड पे हूँ तो पूरा बस स्टैंड कवर करने की कोशिश करूंगा, तो मैं बस इस ब्लॉग को देखते रहूँ। बाकी फिलहाल मेरे पीछे व्यू देखो बात। ओपन निकल रहा है अभी
झांसी की सड़कों में मेरे साथ में कॉफी कॉफी पियेंगे, झांसी की सड़कें घुमाऊंगा मैं तुम सबको। रोड साइड में हूँ तो आवाज काफी चिल्ला के बोलना पड़ रहा है मुझे, आवाज नहीं आ रही है उसकी अच्छी। कॉफी इंजॉय करता हूँ और रास्ता दिखा दूँ तुम सबको मैं कहाँ पे हूँ क्या कर रहा हूँ। तो बाबा अपन अभी खड़े हुए हैं झांसी बस स्टैंड पे, मेरे पीछे बस स्टैंड देख लो, काफी हार्ड है रात में रोड क्रॉस करना, गाड़ी एकदम लाइन से चली आ रही है नीचे। मैं लिटरली मैं टाइम बताऊँ अभी कितना हो रहा है, तो यार मैं टाइम को बताऊँ तो टाइम कुछ 12 बजने वाले हैं अभी, और चूँकि मैं बस स्टैंड पे हूँ तो रात को भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। तो यार अब तुम सबको पता चलेगा कि बस स्टैंड पे हूँ या नहीं। यार इस टाइम मैं झांसी बस स्टैंड पे हूँ और तुम सब देख सकते हो मेरे पीछे पूरा खाली पड़ा हुआ है बस स्टैंड, यहाँ पे काफ़ी सारी बसें होती हैं क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं अभी, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोई बसें नहीं है, बस यहाँ पे पूरा खाली है देख सकते हो, सिर्फ 2-4 बस खड़ी हुई हैं और बाकी देखते हैं क्या है यहाँ पे। रात में कोई मुश्किल से बस 2-4 लोग जो बाकी दुकान बंद करके जा रहे हैं बस वही लोग हैं और कुछ नहीं है झांसी बस स्टैंड पे। एक बार पूरा मैं नज़ारा दिखाता हूँ झांसी बस स्टैंड का। यार देख सकते हो यहाँ पे कुछ गिनी चुनी बसें बची हुई हैं, अब मुझे नहीं पता ये बस जाएंगी या फिर रात को यहीं पे रुकेंगी, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट जो बस थी वो निकल चुकी है और सारी बसें फालतू में खड़ी हुई हैं, अभी ये सुबह निकलेंगी। तो पूरा बस स्टैंड खाली हो चुका है, ये वाली जो 3 बसें हैं बस यही बची हुई हैं, ये 1 बजे के करीब निकलेंगी रात में, तो अभी 12 बज चुके हैं। तो यार अभी मैं वापस आ गया हूँ लौट के, खाना खा के घर पे नहीं आया हूँ मैं, वापस निकला हूँ बस जस्ट खाना खा के और मैं अभी हूँ पार्किंग में। तो यार मैंने कि जैसा बस स्टैंड का माहौल दिखाया वहाँ पे कुछ नहीं था, अगर मेरे फ्रेंड्स होते साथ में तो मुझे चिल करने में मज़ा आता और मैं अकेला हूँ तो मुझे बोर हो रहा हूँ मैं काफ़ी। तो बस अब सीधा मैं निकलता हूँ घर के लिए क्योंकि आज कुछ है नहीं जाना जानने को, एक आध दिन फिर आएंगे रात में अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं बताऊँ आज मैं गाड़ी अकेले लेके आया, बस मेरा ड्राइवर था साथ में और मैंने आज पहली बार गाड़ी चलाई क्योंकि मुझे चलानी नहीं आती है और पापा चलाने नहीं देते, तो बस ड्राइवर के साथ आया था, तो ड्राइवर ने थोड़ी बहुत हेल्प करी मेरी, मैंने चलाई गाड़ी। तो यार कुछ खास था नहीं वीडियो में, अगर फिर भी तुम सबको वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चलते हैं घर पे। This is not taking me a life, it might just